सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका सोनी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वैसे गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो मैं क्या 7 बजे उठ गई थी। 7 आगे वाली क्लिप में मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने मॉर्निंग में उठ के क्या किया। पहले मैंने मॉर्निंग में मेरा नींबू पानी पिया, फिर उसके बाद में थोड़ी वॉक करी मैंने, फिर उसके बाद में मैंने मेरी 8 बजे वाली मैंने मेरी दवाई ली, फिर उसके बाद में मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में बस अब मैं ऊपर आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी मैं इस ब्लॉग में कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है। तो अब मैं चाय बना के आ गई हूँ। मतलब मैंने सबके लिए चाय बनाई थी, मम्मा ने बोला कि सबके लिए बना दे, तो मैंने सबके लिए चाय बना दी। तो बस मैं अभी आई हूँ और अब बस अब मैं यहाँ पे छत पे आई हूँ। तो मैं छत पे ही आजकल चाय पीती हूँ। तो मैं क्या थू मतलब मुझे 2 मंथ्स हो चुके हैं वर्कआउट। तो मैंने ना 6 मई से स्टार्ट करा था, 6 मई से मैंने मेरा वर्कआउट करना स्टार्ट करा था। तो मतलब 20 डेज़ में ही ना मुझे फ़र्क तो नज़र आने लग गया था, बट मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई तो मेरी फिर से क्या दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। दवाइयाँ स्टार्ट होने के बाद में मतलब वापस से वही वेट गेन होने लग गया है। अब फिर भी मतलब मैंने अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा है। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरा वेट कम हो रहा है, बट मैं इंच टेप से नापती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वर्कआउट से फ़र्क है। ये हॉर्न भी अभी बजना था। वर्कआउट से फ़र्क है तो हाँ थोड़ा मैं कम हो रही हूँ, बट अगर मैं जैसे कंटिन्यू रखूँगी ना मैं वर्कआउट, तो मतलब मैं ठीक है पतली नहीं हो रही हूँ, बट मैं ज़्यादा मोटी भी नहीं रहूँगी। मतलब ठीक है, ठीक रहूँगी, जितना वज़न है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो मैं वर्कआउट मेरा कंटिन्यू रखूँगी, चाहे मेरा वेट गेन हो या फिर कम भी नहीं है, उससे कोई वो नहीं है, बट मैं वर्कआउट मेरा क्या कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि अपनी बॉडी को 1 घंटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मुझे ऐसा कुछ काम होता भी नहीं है कि मैं मॉर्निंग में मेरी बॉडी को 1 घंटा नहीं दे पाऊँ। तो बस अभी मैं मॉर्निंग टी पीऊँगी मेरी, उसके बाद में मैंने आजकल क्या बुक रीड करना स्टार्ट करा। तो मैं आपको बता देती हूँ, तो मैं ये बुक पढ़ना मैंने स्टार्ट करा है, दी गर्ल नेक्स्ट डोर। तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर रीड करूँगी। बहुत अच्छी आदत मैंने ये, मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छी आदत करी है ये, बुक हमेशा पढ़नी चाहिए। मैं क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ यार मैं, बस अब मैं थोड़ा लेज़ी पर मेरा मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ। तो बस अब मैं बुक रीड करूँगी, उसके बाद में बस चाय पी के फिर मैं करूँगी वर्कआउट। तो मैं अब आपसे आगे मिलती हूँ। तो आज पूरा ब्लॉग यही रहेगा कि मेरा पूरा कैसा जाता है और आज क्या क्या होगा, और मॉर्निंग रूटीन तो मैं आज आपको मेरा मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि मैं 6 मई से मैं ये मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन है वो मैं इसको कंटिन्यू रख रही हूँ। हाँ कभी कभी जब मेरे को थोड़ा काम रहा, बुकिंग्स आ गई तो मैं उसमें थोड़ा बिज़ी हो गई, तो उसमें भी थोड़ा डिले हो गया, 3-4 दिन तक डिले हुआ था उस 3-4। मतलब पता है मैंने एक चीज़ सीखी है, मतलब सीखी तो क्या है, मतलब वेट गेन होने में ना ओनली 4 दिन लगते हैं। 4 दिन में आपका वेट गेन हो सकता है, बट आपको पतला होने के लिए ना सालों लग जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ यार कि मैंने 4 दिन वर्कआउट नहीं किया बुकिंग्स की वजह से, तो ये सब हो गया। तो अब मैं वर्कआउट कंटिन्यू रखूँगी। तो बस अभी मैंने वर्कआउट कर लिया है, अब थोड़ी देर स्वेट सुखा के ऐसे, मतलब स्वेट आता रहे तो नहाना नहीं चाहिए। तो अब मैं आधे घंटे बाद में नहाने जाऊंगी, अभी काम भी करना है घर का। पहले मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी, बस वर्कआउट हो गया पानी पी के काम करके, और फिर मैं जाऊँगी शावर लेने। तो मैंने शावर ले लिया था और मैं खाना भी खा लिया था मैंने,
और उसके बाद में क्या है, मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो अब मुझे जाना है एक बुकिंग पे, तो मैं जल्दी से बुकिंग पे जाके आती हूँ, फिर आपसे घर आके मिलती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने ये बिल्कुल सिंपल सा पहना है। तो मैंने ये सारे हेयर के सामान रख लिए हैं, ये मशीनरी वगैरह सब मैंने रख ली है, तो मैं बस निकल रही हूँ। तो किसी को भी मेकअप या हेयर के लिए मुझे बुक करना हो तो अभी ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है मेरी, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो मैं बुकिंग से घर पे आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। होता है बुकिंग पे होता है, जितना टाइम सोचते हैं ना कि हाँ भाई थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 घंटे के 2 घंटे लग जाता है, बहुत काम रहता है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अब पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और आज बताती हूँ आपको कि आज हमारी क्या बना है। बने हैं छोले भटूरे जो कि हमने खा लिए, इसलिए से थाली गंदी हो रही है। तो आज का था मेरा दिन ऐसा गया, तो छोले भटूरे खा के यार कितनी गर्मी में छोले भटूरे खाए ना तो तेल चढ़ गया सर में, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो छोले भटूरे खा लिए थे, फिर उसके बाद में नेहा और आ गए थे, तो मैंने क्या क्लिप लेना मैं भूल गई थी, तो फिर मैं क्लिप मैं ले रही हम ऐसे वैसे बातें बातें करने लग गए। तो फिर बस अभी मैं फ्री हुई हूँ, अभी नींबू पानी बनाया था मैंने, फिर नींबू पानी पिया बस, फिर अब हम बैठे थे, फिर अभी बस वो गए हैं, तो मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग भी एंड करना है, तो मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ अब। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, और मैं जो भी मॉर्निंग में करती हूँ आप भी किया करो ऐसा, और मॉर्निंग में मुझे क्या क्या चीज़ें और भी ज़्यादा ऐड करनी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो ये था आज का मेरा दिन, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सॉरी व्लॉग। प्लीज़ अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर हो गए तो यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि 1K जल्दी हो जाए। 1 मिलियन तो मैंने आप लोगों को बोला नहीं यार, 1K करवा दो बस, और वीडियो प्लीज़ पूरा दिखा करो और शेयर करो और बहुत सारा प्यार दो मेरी वीडियो को। बाय।